बिरमौन मंडल के बोकारो डीवीसी थर्मल विद्युत ताप केंद्र में लगभग 22 वर्ष के बाद पहुंचे भूतपूर्व परियोजना प्रधान एम आर श्रीवास्तव को लायंस क्लब बोकारो थर्मल यूनिट ने सम्मानित किया। जब उन्हें बीटीपीएस प्रोजेक्ट हेड का चार्ज मिला था, उसके पूर्व 630 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट से मात्र लगभग 200 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती थी। अपने कार्यकाल में उन्होंने बिजली उत्पादन को तेजी रूप से देते हुए 200 के जगह 650 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का श्रेय पाया। उन्होंने अपने कार्यकाल में जुबली पार्क, बीरकुंवर सिंह पार्क, सेंट्रल मार्केट का सुंदरीकरण का कार्य कर अलग पहचान दिया। नहीं था कि 500 मेगावाट का प्लांट बनाया जाए, तो अब तो टूट रहा है पल पुराना प्लांट, सब डिस्पोजल होगा। तो यहाँ पर अभी जनरेशन अच्छा हो रहा है, नया प्लांट है, और यहाँ पर मेन कंस्टेंट है पानी का और कोयला का। वो अगर कुछ हो जाता है उसका इंतजाम, तो एक और 500 मेगावाट का बैठाया जा सकता है। पर जगह तो है ही, बट वही मेन प्रॉब्लम है कोयला और पानी। तो अभी सर डेवलप के लिए ऐसा अभी तो पहले उसको रिमूव किया जा रहा है, अभी कटिंग वटिंग देखे उनके शुरू हो गया है बॉयलर का। मैंने उसको डिस्पोजल भी, उसको डिसमेंटल करना भी बहुत बड़ा जॉब है ना, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसी को। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 24 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 24 ऐप। हजारीबाग के बहुप्रतीक्षित मांग लंबी दूरी की ट्रेन का सपना अब पूरा होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद हजारीबाग में लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते दिखे। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल भी स्टेशन पहुंचे। उन्होंने इसे हजारीबाग का स्वर्णिम दिन बताया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सांसद जयंत सिन्हा का शुक्रिया अदा किया तथा आशा जताया कि जल्द ही इस रूट पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी। जिस ट्रेन का हजारीबाग के लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी आज समाप्त होने वाली है और आज अब से कुछ देर बाद वो ट्रेन हजारीबाग पहुंचने वाली है। आज उसका विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर किया और रांची से ट्रेन हजारीबाग की ओर आ रही है। यहाँ पे भी माहौल काफ़ी अच्छा है और सामने स्टेज बनकर तैयार है, यहाँ भीड़ भी आई है और ट्रेन का स्वागत कर तैयारी किया जा रहा है। सदर विधायक मनीष जायसवाल यहाँ पहुँचे हुए हैं, स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ है जो ट्रेन देखने के लिए यहाँ आए हैं और इसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत दिनों से इस ट्रेन का इंतजार हजारीबाग के लोग कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। आज इस ट्रेन का विधिवत उद्घाटन हो गया है, कल से यह ट्रेन अपने नियमित समय पर हजारीबाग और रांची से पटना करना स्टार्ट कर देगी। हालांकि क्या कुछ कहा है सदर विधायक मनीष जायसवाल ने और यहां के लोगों ने, आइए सुनते हैं। देखिए, अगर हजारीबाग के लोगों के लिए तो यूँ कहिए कि आज ही रेल आ रहा है। यहाँ रेलवे भरसक 8 साल पहले आई हो, लेकिन पब्लिक सर्विस आज, इसमें अगर आप जनरल पब्लिक सर्विस बोलें तो ये आज शुरू हो रही है और मैं इसको शुरुआत ही कहूँगा इसलिए कि अभी बहुत सारी ट्रेन्स इसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, इन सब के लिए अगले कुछ समय में लैंड है और जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। मगर शुरुआत इतने अच्छे ट्रेन से हो रही है, इतने क्वालिटी ट्रेन से हो रही है, ये हजारीबाग के लिए अच्छी बात है। तो सभी तमाम हजारीबाग के लोगों को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और रेल के मंत्री, प्रधानमंत्री जी को, अपने सांसद को बहुत बहुत आभार उनके प्रति कि उन लोगों ने ये ट्रेन हजारीबाग के लिए दिया। पहले बहुत खुशी का माहौल है, जो हजारीबाग थका हुआ महसूस कर रहे थे, कम से कम आज ये तो हुआ कि कम से कम जो ट्रेन मिला तो बहुत अत्याधुनिक ट्रेन मिला है जो वंदे भारत के रूप में मिला है। लेकिन एक समस्या जो है जो आम आदमी जन के लिए है, चूँकि भाड़ा बहुत ज़्यादा है
तो हर क्लासेस में सफ़र करना उसके लिए संभव नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और खुशी की बात है कि आप रेलवे के पास कोई बहाना नहीं है कि दूसरे ट्रेन का परिचालन नहीं किया जा सके। तो दूसरी ट्रेन जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो सुने थे हम लोगों ने कि ऐसा इसका परिचालन होने वाला है, तो निश्चित रूप से अब हम लोगों को उम्मीद है कि उस ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द किया जाए। अब कोई बहाना भी नहीं बचा रेलवे के पास।